इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने कहा है कि आर्मी अपने 10 साल पुराने प्लान जिसमें 2600 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने थे उसको अब और तेज करने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ की कीमत का था और इसे 2026-27 तक कम्प्लीट होना था। अभी इंडियन आर्मी का कहना है कि उसने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की है ताकि इस प्रोक्योरमेंट केस को और तेज किया जा सके। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि एक नई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अभी तैयार है जो कि इंडस्ट्री के साथ शेयर किया जाएगा। आर्मी एक फ्यूचर इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल चाहती है अपने रशियन ओरिजिन BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को रिप्लेस करने के लिए। टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा, रिलायंस डिफेंस ऐसी कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जिसने फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की डिवेलपमेंट के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। अभी तक टाटा मोटर्स और लार्सन एंड टूब्रो इकलौती ऐसी दो प्राइवेट फर्म्स हैं जिसने फ्यूचर इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए प्रोटोटाइप्स डेवलप किए हैं। स्टेट रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB ने भी फ्यूचर इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है जो कि डिफेंस एक्सपो 2020 में दिखाया जाएगा। इंडियन आर्मी के मुताबिक फ्यूचर इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एक पूरी तरह फुली ट्रैक्ड व्हीकल होगा जो कि किसी भी तरह की स्थिति या टेरन में काम कर सकेगा। इसमें पूरी एम्फीबियस कैपेबिलिटीज होंगी यानी कि ये पानी में भी काम कर पाएगा। फ्यूचर इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को C-17 और इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट कर किया जा सकेगा। इसे रोड या रेल से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। फ्यूचर इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को एक मेन गन, एक ATGM मीडियम मशीन गन, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और दूसरी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ इक्विप किया जाएगा। इससे पहले DRDO ने एक अभय इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को डेवलप किया था। अभय एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर डेवलप किया गया था जो कि इंडियन आर्मी के BMP-2s को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। 2013 में इंडिया ने रशिया को कह दिया था कि वो BMP-3 कॉम्बैट व्हीकल्स को खरीदने के लिए इंडिया के होम ग्रोन $10 बिलियन कीमत वाले फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेगा और इंडिया अपना फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल इंडिजनसली डेवलप करेगा। अभय को एक प्री टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर डेवलप किया गया था ताकि नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप और टेस्ट किया जा सके जिन्हें कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में लगाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट लेट 1990s में शुरू हुआ था और इसका डिज़ाइन वर्क 2001 में कम्प्लीट किया गया था। इस प्रोजेक्ट ने US सेंक्शंस के कारण बहुत कुछ डिलेस फेस किए थे। अभय को DRDO की अहमदनगर बेस्ड व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया था। अभय का एक प्रोटोटाइप भी बनाया गया है और इसे अब ऑटोमेटिव सिस्टम को प्रूव करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। इसका प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप 2005 में रोल आउट किया गया था और अभी इसका फुली आर्म्ड प्रोटोटाइप डेवलप किया जा रहा है। 2019 में अनाउंस किया गया था कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। अभय में एक ऑल इलेक्ट्रिक टर्रेट ड्राइव सिस्टम होगा और एक 40mm हाई वेलोसिटी कैनन होगा जो कि APFSDS और हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स को फायर कर पाएगा। इस 40mm कैनन की एंटी एयर फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर होगी और ग्राउंड अटैक के लिए 2.5 किलोमीटर होगी। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में टोटल 210 राउंड्स का एम्यूनेशन होगा और ये कॉर्नेट ई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ट्विन लॉन्चर के साथ भी आएगा। अभय को ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है और ये 7 इन्फेंट्री सोल्जर्स को कैरी कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।